नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना काका ललित सिंह स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज जो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ पीप कॉइन एथ के बारे में, पीप टोकन के बारे में या फिर पीप कॉइन के बारे में, क्या पूरा का पूरा सिनेरियो है, क्या आपको करना चाहिए, किस तरीके से आपको खेलना चाहिए, क्या अभी रिस्की है, क्या एक अपॉर्चुनिटी है पीप के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की, क्योंकि हमें पता है कि पीप जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डंप जा चुका है एंड डंप हो रहा है एंड यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको जो तरह तरह की बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया एंड पीप के अंदर अपॉर्चुनिटी है, ये कर लो वो कर लो। बहुत सारे लोग ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया पीप तो डूब जाएगा, पीप पूरा गायब हो जाएगा। वास्तव में एक्चुअल चीज क्या है, दोनों चीज मैं आपको बताऊंगा एंड पीप क्या बोलता हुआ नजर आ रहा है वो भी चीज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। इससे आप खुद यहाँ पर डिसीजन ले पाओगे कि आपको जो पीप के साथ किस तरीके से खेलना है। न्यूट्रल सारी की सारी बातें रहेंगी, ना पॉजिटिव बोलूंगा ना नेगेटिव बोलूंगा, यहाँ पर आप खुद समझ जाओगे। सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं करंट स्टेटस की बात करूँ, करंट प्राइस की बात करूँ, 0.6 टाइम्स जीरो के बाद में 89 की जो सीरीज है वो डॉलर के अंदर रन करती हुई जो हमें नजर आ रही है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर 24 घंटे के अंदर जो चेंज है 1.5% समथिंग मूवमेंट हुआ है, ये डाउन में देखने के लिए मिला है आज की डेट में। ये जो चीज है यहाँ पर ये डंप ज्यादा हुआ नजर आ रहा है एंड यहाँ पर एक ही पॉइंट और जोड़ दूँ कि ये जो यहाँ पर डंप है और आपको देखने के लिए मिलेगा, क्यों बहुत सारी चीज अब आप आगे समझोगे। इसके बाद में ऑल टाइम हाई से जो यहाँ पर टोकन है 79.2% समथिंग डाउन में हमारे को जो देखने के लिए मिल रहा है, ऑल टाइम लो से टोकन 1500% समथिंग जो है यहाँ पर अप में है आज की डेट में भी। इसके बाद में बात करूँ मार्केट कैप रैंक की तो 96 मार्केट कैप रैंक हमें देखने के लिए मिल जाती है। मार्केट कैप की बात करूँ 375 मिलियन डॉलर के समथिंग की जो मार्केट कैप है वो हमें इसके अंदर देखने के लिए मिल जाती है। ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करूँ तो 71 मिलियन डॉलर के समथिंग का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है 24 घंटे के अंदर वो हमें देखने के लिए इसके अंदर अभी करंट में देखने के लिए मिल रहा है सारा का सारा। अब देखो सारा का सारा खेल कहाँ से स्टार्ट हुआ था, पीप सारा का सारा अच्छा काम करते हुए नजर आ रहा था। मैंने भी आपको जो वीडियो बना के दी थी कि भैया पीप जो है एक अच्छी जो प्राइस पॉइंट दे रहा है वो आपको एक सही दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है जैसे ही पीप के अंदर थोड़ा सा भी वॉल्यूम आता है या फिर जैसे ही बुलिश मोड आता है पीप जो है आपको 10-20% का प्रॉफिट जो है आराम से देता हुआ नजर आता है। लेकिन अभी क्या हुआ कि यहाँ पर पीप के अंदर की जो टीम थी, बहुत दिन से पीप ने जो जैसा बोला, पीप ने बोला कि भैया हमारी जो टीम थी इनिशियल स्टेज में, जब से ही उनमें जो मनमुटाव स्टार्ट हो गया एंड कोई टीम इधर भाग रही है, मतलब टीम के जो कुछ टीम इधर भाग रही है तो कुछ टीम इधर भाग रही है, मतलब दोनों जो मेंबर थे, दोनों मीन्स यहाँ पर दो मेंबर नहीं थे, कुछ लोग थे यहाँ पर 4-5-6 लोग थे जिसमें से, यानी क्योंकि टीम ने खुद कन्फर्म किया है कि 4 लोग तो हैं, 4 से ज़्यादा ही होंगे, है ना, बहुत सारी चीज़ें अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर कुछ लोग तो इधर भाग रहे थे, कुछ लोग इधर, मतलब एक दूसरे का अपोजिट भाग रहे थे और ऐसे नहीं चलता है। हमने साइज सी बात है कि भैया इधर उधर भागोगे तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी होगी। अभी क्या है कि हमको पता चला कि भैया पीप के पास मल्टी साइन वॉलेट में जो है यहाँ पर 26 ट्रिलियन टोकन जो थे वो यहाँ पर रखे हुए थे, जिसमें से हुआ ये कि भैया पीप के मल्टी साइन वॉलेट के जो टोकन 26 ट्रिलियन रखे हुए थे, तीन जो मेंबर थे पीप की टीम के, तीन मेंबर आते हैं, बाकी टीम बाहर थी, तीन मेंबर आते हैं, ये सारी की सारी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये पीप ने खुद यहाँ पर रिवील किया है, ऐसा नहीं है मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। पीप के तीन मेंबर आते हैं टीम के एंड यहाँ से इस 26 ट्रिलियन टोकन में से वो जो है 16 ट्रिलियन टोकन जो है ट्रांसफ़र कर लेते हैं। कहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं वो? बाइनेंस पर, कूकॉइन पर, OKX पर, वाईबिट पर, इन एक्सचेंज पर 16 ट्रिलियन टोकन चले जाते हैं एंड बेचने की सेल करने की फुल तैयारी वो जो है कर लेते हैं एंड यहां से एक जो है ये मल्टी साइन वॉलेट के अंदर से जो अपने सारी चीज थी वो अपने अकाउंट, अपना जो सारे का सारा कंट्रोल है वो यहां से हटा लेते हैं एंड बाकी टीम मेंबर के लिए ये बोल देते हैं कि भैया अब आपके पास इस वॉलेट का जो मल्टी साइन वॉलेट है यहां पर इसका आपके पास पूरा कंट्रोल है एंड इसके अंदर बचे हुए यहां पर 10 ट्रिलियन टोकन जो है 10.6 ट्रिलियन टोकन जो है अब आपके हैं, इनके पास आपका पूरा कंट्रोल है। 16 ट्रिलियन टोकन तीन मेंबर ने ले लिए, जो कि यहां पर इसने बोला कि 60% हो जाता है पूरे पीप टोकन का, वो टोकन यहां पर जो है इसने ले लिए। अब देखो यहां पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा घोटाला हुआ। अब एक चीज और समझने वाली बात है कि जो 16 ट्रिलियन टोकन गए हैं ये तो ऐसा बोल रही है कि वो गलत आदमी थे, पीप की टीम बोल रही है, लेकिन वास्तव में वो गलत आदमी थे ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। पीप की टीम ने बोला है कि यहाँ से सारे के सारे अपने उन्होंने अकाउंट हटा लिया, यहाँ से अपना कंट्रोल हटा लिया इनकी। अब ये अगर कुछ बोलना चाहेंगे तो कहाँ से बोलना चाहेंगे? साथ ही साथ पीप की टीम ने ये भी बोला है कि भैया हमारा जो टेलीग्राम था वो यहाँ पर हैक हो चुका है। हैक हो चुका है, कैसे हैक हुआ है
कि टेलीग्राम का जो ऑनर था उसका अकाउंट हैक हुआ, उसके बाद में जो पूरा का पूरा कंट्रोल है वो टेलीग्राम चैनल पर आ गया उस हैकर का। अब देखो यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें थी वो एक साथ हमें होती हुई नज़र आई हैं, इतनी सारी चीज़ एक साथ होती हुई नज़र आई हैं। टेलीग्राम हैक हुआ है ये चीज़ हम अच्छी तरह से समझ लें कि टेलीग्राम हैक नहीं हुआ है, आपके अंदर लड़ाइयाँ चल रही हैं, आपके अंदर लड़ाइयाँ चल रही हैं जिसकी वजह से आपने जो है, क्योंकि टेलीग्राम कहीं ना कहीं उस अकाउंट से बना हुआ होगा, उस मेंबर के अकाउंट से वो मेंबर ऑपरेट कर रहा होगा जो आप दोनों में अपोजिट होगा, मतलब इधर वाला होगा या इधर वाला होगा। ऐसा नहीं है कि अगर तीन लोग इधर हैं तो ये तीन लोगों वालों में नहीं होगा, अपोजिट साइड वाला कोई एक मतलब पर्सन होगा। इस वजह से जो है इसको हैक जो है बोल दिया। इसके बाद में सिर्फ और सिर्फ ट्विटर अकाउंट पर जो है हमें को सारी की सारी चीज़ें वो देखने के लिए मिल रही हैं। चाहो तो आप भी जो है यहाँ पर जाके सारी डिटेल्स वो पढ़ सकते हो कि यहाँ पर इन्होंने जो है ये 10 ट्रिलियन टोकन और बचे थे मल्टीसाइन वॉलेट के अंदर, ये भी जो है यहाँ से मल्टीसाइन वॉलेट से जो है ट्रांसफर कर लिए हैं नए अकाउंट के अंदर, नया एड्रेस जो उन्होंने रिवील कर दिया है। तो अब ये बोल रहे हैं कि 10 ट्रिलियन टोकन हमारे पास सेफ है एंड यहाँ पर जो भी 10 ट्रिलियन टोकन है इनको हम जो है बर्न कर देंगे। बर्न करने की बात बोली है, 10 ट्रिलियन टोकन को हम जो है बर्न कर देंगे। कब बर्न करने की बात बोली है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सही चलने लगेगा, पीप यहाँ पर जो है पहले जैसी बात यहाँ पर रहने लगेगा एंड तब हम इसको जो बर्न कर देंगे एंड यहाँ पर मार्केट के अंदर खुला छोड़ देंगे, जैसे कि फुल्ली डिसेंट्रलाइज चीज़ें होती हैं, किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन जब तक ये अपने पास रखे हुए हैं, अब एक चीज़ बताओ कि टीम का मेंबर जो तीन लोग थे जो पीप ने खुद रिवील भी किया है जो 16 ट्रिलियन टोकन लेके भागे, क्या इनकी नीयत में खोट नहीं आ सकता है? बताओ क्या जो 16 ट्रिलियन टोकन लोग लेके भागे हैं हो सकता है कि वो सही हों ये गलत हों? दोनों में से चीज़ें हैं दोनों। देखो ऐसा नहीं है कि जो टीम बोल रही है, आप अगर मैं बोलूँ कि भैया मैं अच्छा हूँ है ना, और अपनी टीम में से किसी को निकाल के फेंक दूँ, उसको बोलने का भी मौका नहीं है और वो उसके हाथ में कोई सोशल मीडिया हैंडल नहीं है, वो जहाँ से बोल पाए उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, और मैं आपको बोलता रहूँ मैं अच्छा हूँ तो क्या ये सही रहेगा? उसकी भी सुनी जाए वो क्या बोल रहा है। कहने का मतलब ये है अगर उसको भी बोलने का मौका मिला, अगर वो भी सारी चीज़ें यहाँ पर निकल के आती हैं तो कॉन्ट्रोवर्सी और बढ़ जाएगी और पीप का यहाँ से हो जाएगा खेला ख़त्म पूरा का पूरा। एंड यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर 10 ट्रिलियन टोकन यहाँ पर जला भी दिए जाते हैं, मतलब बर्न कर दिए जाते हैं, एक ही बात है, और इसके बाद में 16 ट्रिलियन टोकन का क्या सीन है मुझे नहीं पता कि वास्तव में होगा क्या, उनका होगा क्या, पूरा पूरा सेल ही होंगे जाहिर सी बात है जब एक्सचेंज पर आ चुके हैं तो एक बार। तो यहाँ पर ये सारी की सारी जो चीज़ें थी वो निकल के आ रही हैं, जो मैंने न्यूट्रल बातें की कि यहाँ पर 26 ट्रिलियन टोकन के बाद में ये प्राइस यहाँ पर और ज़्यादा प्राइस डाउन जाने के चांसेस हैं जो कि मैंने आपको बताया। अब बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि ये हो गया वो हो गया ये हो गया भैया आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब ये सारी चीज़ समझने के बाद में आप खुद देख लो कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आपको यहाँ पर फंसाया जा रहा है। बिल्कुल से यहाँ पर हो सकता है कि आपको और फंसाया जा रहा हो। अब देखो टीम की जो पीप की टीम है वो बहुत ज़्यादा एडवांस बहुत ज़्यादा सातिर है। क्यों? क्योंकि एक चीज़ बताओ कि जो यहाँ पर मीम टोकन मार्केट के अंदर हैं वो यहाँ पर सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं बाइनेंस के ऊपर आने के लिए, लेकिन पीप हमें एकमात्र ऐसा टोकन देखने के लिए मिला, मीम टोकन देखने के लिए मिला जो एक महीने के अंदर अपनी बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग करा लेता है। दिमाग है अच्छी तरह से खेल रहे हैं, आपके साथ खेलने में इनको टाइम नहीं लगेगा, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा सबर करो, देखो क्या चलता हुआ नज़र आ रहा है, वास्तव में क्या हो रहा है। निकल जाएगा हाथ से तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपका पैसा डूब जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि मार्केट के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको देखने के लिए मिल जाती हैं, लेकिन उनके लिए आपके पास कैश फ्लो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको जो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो कर देना लाइक एंड यहाँ पर इस चैनल पर इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से मत भूलना। मिलता हूँ नई वीडियो नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।